हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताएंगे 18 मॉडल स्विच प्लेट का कनेक्शन कैसे किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि हमारे पास ये 18 मॉडल का स्विच प्लेट है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 6, 18, ठीक है ना। देख रहे हैं ना कि इसके 18 मॉडल का हमने स्विच प्लेट मॉड्यूलर स्विच प्लेट है और इसका कनेक्शन करना बेहद ही आसान होता है, ठीक है ना। इतना बड़ा बोर्ड देख करके लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। नीचे देख रहे हैं कि हमारे ये क्या है, स्विच सॉकेट है, जो कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर सॉकेट है, यहाँ पर एक क्या 3 पिन सॉकेट है, इधर भी 3 पिन सॉकेट है, और ऊपर हमने क्या कर दिया, दो दो स्विच इसके कंट्रोल करने के लिए लगा दिया। एक तो 16 एम्पियर की स्विच है जो कि लिए है, और बीच में देख रहे हैं ना ये सारे हमारे क्या है, स्विच है। और यहाँ पर हमने एक फायर रेगुलेटर लगाया है, देखिए हमारा क्या है, फैन का रेगुलेटर है जिससे फैन हमारा क्या होगा, कंट्रोल होगा। और इसके आगे देख रहे हैं हमारा इंडिकेटर है, देख रहे हैं जो कि संकेत करेगा घर के अंदर लाइट है कि नहीं है। तो इतने बड़े स्विच प्लेट का कनेक्शन करना काफी आसान होता है, बहुत बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो हम बता देंगे कि इसके अंदर इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ही आसानी से आप देख लेंगे कि 18 मॉडल जो प्लेट होता है, स्विच प्लेट होता है, उसके अंदर कनेक्शन करना बिल्कुल आसान होता है। चाहे उसमें फैन रेगुलेटर लगाएं, चाहे उसके अंदर इंडिकेटर लगाएं, चाहे स्विच हो, चाहे सॉकेट हो, देख रहे हैं ना सॉकेटों का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, स्विचों को कैसे जोड़ा जाएगा, तो सब कुछ हम क्या करेंगे, विस्तृत से आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल हम बोर्ड के अंदर इसको लगा कर भी बताएंगे कि नहीं, किस प्रकार से इसमें कनेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन पहले कर लेते हैं, इसको बोर्ड को पहले बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इस वायर की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ तक ऐसे नाप लेते हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, ऐसे हमें क्या करें, नाप लें, क्योंकि सारे स्विचों के निचले वाले पॉइंट को हमें शॉर्ट करना है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ऐसे देखिए जितने भी स्विच रहेगी, तो 18 मॉडल प्लेट स्विच का कनेक्शन, बोर्ड का कनेक्शन करना है आप मॉड्यूलर बोर्ड का, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए ऐसे वायर को हमने क्या कर दिया, छील लिया है। अब इसको हमें मोड़ लेना है कुछ इस प्रकार से, देख रहे हैं ना। तो अगर आपको भी 18 मॉडल का कनेक्शन करना है, ठीक है ना, 18 स्विच को लगाना है, सॉकेट को लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख करके इतना बड़ा बोर्ड क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पूरे घर के अंदर हम करके बताएंगे, ऐसे यहाँ पर ही नहीं होगा, पूरे घर के अंदर कैसे, यानी बोर्ड के अंदर कैसे लगाया जाएगा, बिल्कुल हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं हमने ऐसे नाप लिया है, अब यहाँ से इसको हम कटिंग कर लेंगे, तो वायर को छील करके, क्योंकि वायर सारे स्विचों को शॉर्ट किया जाता है, तभी तो क्या होगा, एक वायर में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसा लंबा सा वायर होगा, और इसमें हम क्या करते हैं, डालते हैं यहाँ से, देखिए एक जगह से डालेंगे और पूरा वायर हमारा क्या हो जाएगा, निकलता हुआ सारे स्विचों के अंदर से गुजरता हुआ निकल जाएगा आगे की साइड में, देख रहे हैं ना। देखिए ऐसे, देखिए देखिए हमने पूरा कर दिया ना। अब इसको हमें क्या कर देना है, टाइट कर देना है कुछ इस प्रकार से, एक जगह छोड़ेंगे, बकिया सबको क्या कर लेंगे, टाइट कर लेंगे, क्योंकि जो मेन फेस होगा इसी के अंदर क्या करेंगे, ला करके लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए तो आपको भी 18 मॉडल का कनेक्शन करना है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, देखिए सारे को हमें टाइट कर देना है बढ़िया से, ठीक है। इसके बाद एक और वायर लेंगे, देखिए अब अलग कलर का वायर लेंगे, देख रहे ना, रेड कलर का वायर लेंगे जो कि सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। सॉकेट इस स्विच से हमें कंट्रोल करना है, ठीक है ना। तो सॉकेट के एल वाले पॉइंट से हमें क्या कर देना है, जोड़ लेना है इस प्रकार से, देख रहे हैं ना इसके अंदर। देखिए 18 मॉडल का स्विच प्लेट बनाना बहुत ही आसान होता है, यहां से देखिए इसको जोड़ देंगे, और यहां से ले जाकर के वायर यहां पर इस स्विच से कंट्रोल करना है, तो यहां पर हम नाप करके इसको क्या कर लेते हैं, प्लायर के माध्यम से यहां से कटिंग कर लेंगे। देख रहे हैं, ऐसे देखिए हमने कनेक्ट कर दिया है, देख रहे हैं ना। यहां से एक और वायर लेंगे रेड कलर का, और दूसरे सॉकेट के कर लेंगे। सबसे पहले अगर घर के अंदर बोर्ड लगाना है तो आपको सबसे पहले इस तरह से बोर्ड का कनेक्शन करना पड़ेगा, वहां पर लगाने में आसानी होगी, क्योंकि वहां पर सारा वायर क्या होंगे, पड़े रहेंगे, और वहां पर फटाफट आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए कर लेंगे, और यहां से हमें क्या कर लेना है, यहां से उठा करके हम यहां वाले इसी उससे हमें कंट्रोल करना है इस सॉकेट को ना, तो हम इसे ऊपर वाले पॉइंट में ले जाकर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए वहां से वायर कटिंग करके ऐसे ऐसे निकालेंगे,
और ले जा करके अपना जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट रहेगा ना उसी में ले जाकर क्या कर देना है, जोड़ देना है। देख रहे हैं ना कितना आसान है। अगर आप भी इस प्रकार से बोर्ड बनाना चाहते हैं 18 मॉडल का तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए ऐसे हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, और वायर लेंगे और यहाँ से हमें क्या कर लेना है, लूप कर देना है। इनको सारे को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो ऐसे ही जैसे हमने बीच वाले को किया ना वैसे हम क्या करेंगे ऊपर वाले को कर लेंगे। यहाँ से देख रहे हैं ना, देखिए ऐसे कर लेंगे, नाप लेंगे वायर को और इसको वायर को हमें क्या कर लेना है, छील लेना है। तो अगर आपको बोर्ड बनाना है तो सबसे पहले ये सब काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तभी आप क्या करेंगे, बोर्ड ले जा करके वहां पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बोर्ड के अंदर कितना हो स्विच सॉकेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट जितने भी इसके होते हैं ना, निचले वाला पॉइंट होता है सबको, जितने भी स्विच लगे रहेंगे सभी एक होते हैं, जानते हैं। निचले वाले पॉइंट में हमेशा क्या दिया जाता है, फेस दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहां से हम सबको ढीला कर लेते हैं, देखिए बहुत ही आसानी से अपने घर पे 18 मॉडल बॉक्स का कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर से डालेंगे ऐसे सारे वायर को, देख रहे हैं ना, ऐसे थोड़ा सा थोड़ा हमें क्या करना है, दबा दबा करके हम पूरा निकाल लेंगे। देखिए इसके अंदर हमारा पहुंच गया, पूरे वायर पहुंच गए। अब यहां से हमें इसको क्या कर देना है, टाइट कर देना है, देख रहे हैं ना। इसको भी हमें एक ठो खाली छोड़ेंगे, ठीक है, बाकी सबको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले लगाने से पहले बोर्ड को इस प्रकार से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने इसको बना लिया है। अब यहां से हमें क्या करना है कि ए इंडिकेटर होगा ना, देखिए ए, देखिए ए बोर्ड के अंदर बोर्ड के अंदर इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर के दो पॉइंट होंगे, तो इसको हमें डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें फेस का जो निचला वाला पॉइंट होगा, जो हमने तार लगाया है ना उसी में हम इसको भी क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इसके वायर को लंबा करके। देखिए और इसी के अंदर जो निचले वाले स्विच होगी, क्योंकि इसके अंदर फेस डायरेक्ट पहुंचना चाहिए, तो हम क्या करते हैं ना, बड़ी बात नहीं होती है। ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे, हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन अगर ध्यान से आप देख लेंगे तो क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हाउस वायरिंग का काम सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं ना वायर निकल गया। अब हमारा जो फेस होगा डायरेक्ट यहां से जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिकेटर में पहुंच जाएगा। इंडिकेटर को कहां चाहिए, देखिए अब हमारा फैन रेगुलेटर होगा, तो बीच में हम क्या करेंगे, सारे पॉइंटों का हमारे इन्वर्टर, यानी इतने सारे जो पॉइंट होंगे ना सारे हमारे इन्वर्टर से चलेंगे, तो हम फैन को भी इन्वर्टर से चलाएंगे। तो रेगुलेटर के एक तार को एक स्विच से हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। देखिए स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट होगा उसे एक पॉइंट में ऐसे जोड़ लेंगे, ठीक है ना, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में। नियम से तो इस बल्ब में जोड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए एक वायर लेकर जाना पड़ेगा, इसीलिए हम सोचे हैं कि एक ही लाइन में सारा हमारा इन्वर्टर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जो फैन का रेगुलेटर होगा इसी में हमने इसको जोड़ लिया है। अब देखिए इसको क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए ना, ठीक है, तो न्यूट्रल इंडिकेटर को भी चाहिए ना, इंडिकेटर का वायर यहां तक तो आएगा नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें छील लेते हैं इस प्रकार से वायर को और यहां पर हम टेप लगा देंगे, ठीक है। देखिए ऐसे टेप लगा देंगे टाइट करके, क्योंकि इंडिकेटर को न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल का वायर तो ऊपर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर टेप लगा दिया है। देखिए अच्छे से टेप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फेस तो यहाँ से इसको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से न्यूट्रल इसको दिया जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल के लिए यहाँ पर जो सॉकेट लगी है इसी में ला करके इसको जोड़ देना है। देखिए यहाँ से ऐसे हम छील लेते हैं, देखिए वायर को भी क्या करेंगे, ऐसे पकड़ करके आसानी से क्या कर सकते हैं, प्लायर को खींच करके ऐसे जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम न्यूट्रल का है, देखिए दो ठो तार इसलिए जोड़ा कि अगले वाले पॉइंट को भी न्यूट्रल चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे इसी जगह से लूप करके इसको भी क्या करेंगे, दे देंगे। देखिए इसके अंदर हम डाल लेते हैं। तो अगर आपको भी अगर ऐसा 18 मॉडल बोर्ड मिल जाता है तो उसको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप बड़ी आसानी से उसका क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख रहे हैं ना अंदर डाल लिया और यहां से हमें टाइट कर देना है। अब इंडिकेटर को डायरेक्ट यहां से न्यूट्रल मिल जाएगा,
देख रहे हैं ना, हमने जोड़ दिया है। अब इंडिकेटर को यहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट न्यूट्रल मिल जाएगा, और यहां से वायर थोड़ा सा हम क्या काट लेते हैं, अब क्या होगा मेन न्यूट्रल, जो हमारा मेन न्यूट्रल होगा इसके अंदर जोड़ करके उसी में हम क्या करेंगे लूप कर देंगे, उसी जगह से न्यूट्रल हमारा इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। अब हमें अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, देख रहे ना ग्रीन कलर का जो वायर होता है किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है। तो हम ऊपर वाले में एक जोड़ करके छोड़ देते हैं और वहां पर बोर्ड में लगा करके आपको दिखाएंगे कि अगला प्रोसेस कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको क्या करते हैं लगा लेते हैं, देखिए हमारा अर्थिंग वाला पॉइंट है, ठीक है ना। तो बोर्ड में हमने ऐसे क्या कर दिया, लगा लिया। अब इसको ले जाकर के हम इस वाले पॉइंट में क्या करेंगे लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि इस प्रकार से ले जाकर के अर्थिंग को इसमें जोड़ देंगे, जो मेन अर्थिंग आएगी और मेन जो न्यूट्रल आएगा इसके अंदर जोड़ देंगे, और जो इन्वर्टर के वायर होंगे इसके अंदर जोड़ देंगे, और मेन जो फेस होगा उसको ला करके इस ऊपर वाले पॉइंट में हमें क्या कर देना है जोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं 18 मॉडल स्विच प्लेट सॉकेट का क्या कर सकते हैं कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम इसको बोर्ड के अंदर लगा करके आपको दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पर बना करके आप बता देंगे। अब हमें क्या करना है कि जो ऊपर वाला पॉइंट खाली रहेगा ना, सारे जितने भी उपकरण लगे रहेंगे फैन ट्यूब लाइट जो भी चीज रहेगी सबको इसके अंदर हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ऊपर वाले पॉइंट में जितने भी यहां पर पॉइंट खाली होंगे, ठीक है ना। निचले वाले तो हमारा डायरेक्ट हो गया, ऊपर वाले में हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब यहां से इसको फेस जो आएगा ना, तो देखिए एक वायर लेकर के या तो फेस यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर, देखिए हम भूल ही गए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक वायर वायर लेकर के यहाँ से हम फेस को भी कनेक्ट कर देते हैं कि जिसमें काफी ये ऊपर वाले सारे पॉइंट किसके होंगे फेस के होंगे, तो इसके अंदर हम डाल लेते हैं। देखिए बीच वाले में तो हमें न्यूट्रल इन्वर्टर देना है, ठीक है, ऐसे डाल लेंगे। अब देखिए अब यहां से हम क्या करेंगे ला करके फेस इसके अंदर जोड़ लेते हैं, देख रहे हैं ना ये हमारा जो पॉइंट बना होगा इसके अंदर हमें क्या कर देना है, ऐसे वायर काट लेंगे, थोड़ा सा बड़ा ही वायर काटेंगे, इधर से घूम करके आ जाएगा, ठीक है। और यहां से ऐसे लगा करके ऐसे छील लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ना 18 मॉडल स्विच प्लेट का कनेक्शन करना कितना आसान है, बहुत ही आसानी से आप भी क्या कर सकते हैं इसका कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। देखिए अंदर डाल लेंगे, जैसे हमने ऐसे किया था ना वैसे हम इसमें भी क्या करते हैं डालने वाले हैं। देखिए इसके अंदर हमारा फेस भी क्या हो चुका है पहुंच चुका है, देख रहे हैं ना। तो जो हमारा मेन फेस आएगा ना, देखिए ये मेन जो फेस आएगा या तो यहाँ जोड़िए या तो यहाँ जोड़िए, ठीक है ना। दोनों पॉइंटों में कहीं पे जोड़ेंगे इसमें भी फेस आएगा और इसमें भी फेस आएगा, और जो हमारा मेन इन्वर्टर का फेस होगा उसको ले जाकर के निचले वाले पॉइंट जोड़ देंगे, ऊपर वाले में जो बल्ब का और फैन का और ट्यूबलाइट का जो भी कनेक्शन होंगे ऊपर वाले में क्या करेंगे जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो चलिए देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमने इसको बिल्कुल ही क्या कर दिया परफेक्ट बना दिया है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगे तो सॉकेट का एक तरफ हिस्सा बचा हुआ है इसमें हम न्यूट्रल को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, देखिए ऐसे देख रहे हैं ना, यहाँ पर न्यूट्रल को हमें कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ से न्यूट्रल सारे पॉइंटों को मिल जाएगा, देखिए ये न्यूट्रल हमारा मेन आ गया ना, मेन न्यूट्रल इसके अंदर गया और इसी जगह से हमारा दूसरे सॉकेट में जाएगा और इसी जगह से हमारा कहाँ चला जाएगा इंडिकेटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, इंडिकेटर के अंदर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारे ए वायर होंगे ना, देख रहे हैं ना, अब यहाँ से हमारे ए जो वायर होंगे हमारा मेन फेस होगा इसके अंदर, देखिए यहाँ से जो हमारे वायर निकलेंगे ए वाला जो ब्राउन कलर का वायर है ना ये मेन फेस होगा, तो इसको हम क्या करते हैं इसी में जोड़ लेते हैं, जैसे
यहां से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। देखिए थोड़ा सा छोटा ही करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा रखने से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ से वायर को काट लेते हैं। ये ब्राउन कलर का वायर हमने क्या कर दिया, फेस के मेन फेस जो कि एमसीबी बॉक्स से आएगा उसका कनेक्शन हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमने कहा था ना कि यहाँ से जो आप बोर्ड बनाए हैं, देखिए बोर्ड बनाए चाहे फेस से यहाँ देंगे चाहे फेस से यहाँ देंगे, यहाँ भी देंगे तो ऐसे होकर के वायर निचले वाले में आएगा, यहाँ देंगे तो भी हमारा हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर टाइट कर देते हैं इसको ऐसे, देख रहे ना, इस फेस को हम ऊपर वाले में यहाँ से यही से ऊपर ऊपर ही दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, सारे में फेस पहुंच जाएगा। तो ऐसे हम इसको ऊपर वाले पॉइंट को ढीला करेंगे और जो अपना ये फेस रहेगा मेन फेस होगा उसको इसी में लगा लेते हैं, देख रहे हैं ना। ये जो ब्राउन कलर का वायर है हमने क्या कर दिया, फेस के लिए यूज किया है, ठीक है। आप ये रेड येलो ब्लू यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब ये फेस यहाँ पहुंचा, यहाँ से फेस हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट में सॉकेटों के अंदर चला आएगा और बीच वाले में हमारा क्या होगा, येलो कलर का इसके अंदर जो वायर दिख रहा है ना, ये हमने इन्वर्टर के लिए प्रयोग किया है, ठीक है, जो सर्किट में डाला है। तो यहाँ से हम इस वायर को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं और इसको यहाँ से हम छील लेंगे, ठीक है। और हमारा जो एक बीच वाला स्विच सॉकेट है ना, देख रहे हैं ना, इसके बीच वाले पॉइंट में ले जाकर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे किसी एक में। देखिए बीच वाले में जोड़ दिया ना, अब यहाँ पूरे जो बीच वाले पॉइंट में सारा हमारा क्या होगा, इन्वर्टर का येलो वाला वायर, इसमें सारे किससे कंट्रोल होंगे, इन्वर्टर से कंट्रोल होंगे और हमारे सारे नीचे और ऊपर के पॉइंट किससे होंगे, मेन फेस से कंट्रोल होंगे, ठीक है ना। ये सब हमने कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेन लीड का जो अपना अर्थिंग वाला वायर बचा है ना, इसको हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं, इसका काम खत्म, देख रहे हैं ना। और यहाँ पर जो एक यहाँ पर अर्थिंग इस सॉकेट के लिए है, दोनों पे हम क्या करेंगे, साथ में जोड़ लेंगे ऐसे, ठीक है, हमने जोड़ लिया है। अब यहां से ढीला करके हम जो अपना दूसरी सॉकेट लगी थी ना, देख रहे हैं ना, जो ऊपर वाला पॉइंट होगा इसमें हम क्या करेंगे, अर्थिंग वाले वायर को जोड़ लेते हैं। देखिए बोर्ड बनाना बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, और घर के अंदर लगाना तो और आसान होता है। बस वायर पता होना चाहिए कौन सा वायर कहाँ है, सर्किट पहचान में आनी चाहिए कि कौन सा वायर कहाँ पर डाले हैं, ठीक है ना। और इसको बोर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे हमने जोड़ दिया है। अब बच गए हमारे इतने सारे वायर ना, ये सारे हमारे वायर किसके होंगे, लाइट के होंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, लगाते हैं। देखिए इसमें हम सारे वायरों को कनेक्ट कर काट लेते हैं, ठीक है, बराबर बराबर करके। देखिए यहां से हम सारे को क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे और यहां से थोड़ा सा इसमें से अलग कर लेते हैं सारे को, देख रहे हैं ना। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 18 मॉडल का कनेक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, घर के अंदर आपको लगाना है तो, ठीक है। वीडियो हमारी लंबी होती है लेकिन आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि हम अस्थाई बताते हैं, आधा अधूरा ज्ञान नहीं देते हैं कि नहीं आप क्या हो कंफ्यूजन में रहें, ठीक है। पूरा वीडियो देखेंगे, हमारी जितने भी हाउस वायरिंग की वीडियो है अगर सारे पार्टों को देख लेंगे तो बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सारे हाउस वायरिंग का काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको भी क्या करेंगे, छील लेंगे। तो इतना पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं आपको। अब देखिए एक एक वायर को जो हमारा ए होगा ना, इसमें से पहला जो हमारा वायर हमें पता है कि हमारा किसका है, जो बाहर की सोदार लाइटें लगती है छज्जे वाली ना, उनका ये वायर है। तो हम क्या करते हैं, इनको इस इन्वर्टर से हमें चलाना है, देख रहे हैं ना। तो इसको ला करके हमें इसके अंदर जोड़ देंगे ऊपर वाले पॉइंट में, जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट होता है हमेशा उसमें क्या किया जाता है, उपकरण का एक पॉइंट को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। न्यूट्रल तो सबका डायरेक्ट है, आप देख रहे हैं एक ही जगह पे गुच्छा मार के जोड़ा गया है। ऊपर वाले पॉइंट में ऐसे देखें, एक वायर को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जो कि छज्जे की लाइटें क्या होगी, बाहर की लाइटें कंट्रोल होगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो निचला छज्जा होता है ना, समझ रहे हैं ना, जो निचले बर्जे की जो लाइटें होती हैं, हम दूसरा जो सर्किट बनाए ऊपर की अलग कर दिए और नीचे की क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे वाले स्विच यहाँ से लेकर जाएंगे और निचले वाले पॉइंट में क्या करते हैं, जोड़ देंगे इसके ऊपर वाले, देख रहे हैं ना, इसके अंदर हमें जोड़ देना है, ठीक है ना। हमने ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, जितने भी हमारा मेन जो उपकरण होंगे सारे उपकरणों को हमें जोड़ देना है। तो ऐसे बारी बारी करके हम आपको क्या कर रहे हैं, जोड़ के दिखा रहे हैं।
और ये जो हमारा रेड कलर का वायर है ना, इसमें हम बल्ब के लिए प्रयोग किए हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ लेंगे। देख रहे हैं, अब यहाँ से हमारा जो एक वायर लास्ट वाला वायर जो बच जाएगा, अभी तो हमारा ए होगा, हमें यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है, जो कि हमारे कैंसिल लाइट का एक तार होगा, ठीक है। देखिए चार कैंसिल लाइट रूम के अंदर लगी गई है, तो हम क्या करते हैं, दो दो लाइट को एक से कर दिया है, तो हमारा पहला दो लाइट जो होगी कैंसिल लाइट, इससे चालू होगी। देख रहे हैं अभी इसके दो पॉइंट खाली है ना, तो देखिए हमारा एक फैन वाले वायर होंगे और एक तो कैंसिल लाइट की होगी, लेकिन हमें क्लियर नहीं कौन सा फैन का कौन सा क्लियर कैंसिल लाइट का है, तो हमें वैसे ही क्या करते हैं, इसका कनेक्शन कर लेते हैं और पावर देख करके चेक कर लेंगे कि कौन सा हमारा फैन का होगा, ठीक है ना, क्योंकि वायर काफी घुमा करके आए हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं और कोई भी एक वायर को हमें क्या करेंगे, फैन में जोड़ देंगे और एक को हम इसके अंदर जोड़ देते हैं। देख रहे हैं ना हमारा ये बचा हुआ है, देखिए फाइनली हमारा एक और इसके अंदर कनेक्शन बचा है। देखिए अब इतने सारे वायरों का जंजाल आप देखकर क्या होंगे, घबरा गए होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे हमने क्या कर रहे हैं, फटाफट सबको क्या कर दिया, छांट छांट के बड़ी आसानी से क्या कर दिया, लगा दिया। हाँ, बट ये पता होना चाहिए कौन सा वायर किसका है, सर्किट पहचान में आपको आनी चाहिए कि अगर चार वायर एक तो सर्किट में बांधे गए हैं तो हमारा क्या होगा, मेन होगा, और ऐसे ऐसे दो दो वायर बांधे गए हैं तो हमारा किसका होगा, फैन वैन का होगा, ठीक है ना, फैन का होगा, ट्यूबलाइट का होगा, और बच गया एक वायर। तो एक वायर हमने कहे थे फैन के लिए होगा, तो फैन का ये वाला पॉइंट है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ से तो हमने फैन के एक तार को यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से इससे हम जब ऑन करेंगे इस वाले स्विच को, देख रहे हैं ना, इस स्विच को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो हमारा फैन सप्लाई कहाँ जाएगी, रेगुलेटर में जाएगी, और रेगुलेटर से होकर हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो हमारे फैन के अंदर चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे छील लेते हैं वायर को, देख रहे हैं ना, ऐसे छील लेंगे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको भी छील लेंगे, ठीक है, देख रहे ना, ऐसे हमें क्या कर देना, लपेट लेना फैन के वायर को, क्या करेंगे, फैन को वायर को जो रेगुलेटर रहेगा ना उसके दूसरे वायर में हमें क्या कर देना, जोड़ देना, और जोड़ करके हमें क्या करेंगे, टेप लगा देंगे अच्छे प्रकार से। तो ध्यान से आपने देखा होगा, तो अब भी क्या कर सकते हैं, 18 मॉडल बोर्ड का कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार